नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBS CV3 HSM के अंदर। देखिए, इससे पहले हमने 17.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 सरल कर लिए थे और उसके 2 एग्जांपल भी हमने सरल कर लिए थे। भाई क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तक हमने देख लिए थे, इन तीनों को हमने सरल कर लिया था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये आज हम सल करने जा रहे हैं। तो देखते रहिए और समझते रहिए। अगर कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है हमसे। क्रिकेट के खिलाड़ी ने 10 पारियों में क्रमशः 60, 62, 56, 64, 0, 57, 33, 27 और 9 और 71 रन बनाए। उसके इन पारियों में रनों का औसत ज्ञात कीजिए। यानी उसने जो रन बनाए 10 पारियों के अंदर, उन 10 पारियों के अंदर बनाए गए रनों का आपको औसत ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसान है। देखिए 10 पारियां हैं और समांतर माध्य ज्ञात करने का वही सूत्र है हमारा। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। ये सूत्र था हमारे पास। लेकिन देखिए, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था और अब आपको दोबारा बताने जा रहा हूँ। जब भी ये आंकड़े किसी संख्या के रूप में हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत भी ऐसे ही ज्ञात किया जाता है और समांतर माध्य भी ऐसे ही ज्ञात किया जाता है। तो इसके अंदर जो हमारे पास आंकड़े हैं वो पारियों के रूप में है और रनों के रूप में है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा सूत्र, इससे एक नया सूत्र बन जाएगा हमारे पास। नया सूत्र क्या बन जाएगा इससे हमारे पास, रनों का योग बटे पारियों की संख्या अब इसके अंदर रनों का जो योगफल है हमारे पास, उनको जोड़ लेंगे हम, ठीक है। रनों का औसत ज्ञात करना है। रनों का औसत बराबर, अब रन कौन कौन से हमारे पास देखिए, 60 है हमारे पास, 60 प्लस, फिर 62 है हमारे पास प्लस, फिर 56, फिर है 64 और फिर है 0, फिर हमारे पास 57, फिर हमारे पास है 33, इसके बाद हमारे पास है 27, इसके बाद है 9 और 71। ये रन हो गए हमारे पास, 10 पारियों में किसी खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए रन है ये। और कितनी पारियां देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 पारियां हैं। तो 10 पारियां नीचे, ये लो। अब इन सब का टोटल कर लेंगे हम। टोटल करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 439। देखिए 60 प्लस 62 प्लस 56 प्लस 0 प्लस 57 प्लस 33 प्लस 27 प्लस 9 प्लस और 71, इन सब का टोटल करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर निकल कर आ जाएगा 439। में भाग दे देंगे हमें 10 का, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 43.2
नो, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 43.9, यानी किसी खिलाड़ी के द्वारा 10 पारियों में जो रन बनाए गए हमारे पास, उनका जो रनों का औसत निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, ही 43.9 निकल कर ही आ जाएगा। इस क्वेश्चन के आंसर का आप क्वेश्चन नंबर डाल देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4, वही 17.1 का है, 17.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका ये हल है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। जब भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ने आओ, विशेषकर गणित, तो आप कॉपी और पेन अपने साथ रखा करो और क्वेश्चनों के आंसर को समझते रहा करो और उनको लिखते रहा करो, लिख लिया करो। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, क्वेश्चन नंबर 5, वही 17.1, 17.1 का क्वेश्चन नंबर 5। एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त निम्न अंकों से समांतर माध्य की गणना कीजिए, यानी 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी अंग्रेजी में विभिन्न प्रकार के अंक प्राप्त कर रहे हैं, तो उन अंकों का आपको औसत ज्ञात करना है या समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसान है, देखिए इसमें आपको दे रखा है अनुक्रमांक, अनुक्रमांक दे रखा है और आपको दे रखा है प्राप्तांक। अनुक्रमांक और प्राप्तांक, अनुक्रमांक जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। फिर इनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक, जैसे इसने 30 प्राप्त किए, 30 है, फिर 28, फिर 32, फिर हमारे पास है 12, फिर 18, फिर है 20, फिर 25, फिर 15, फिर 26 और 14। तो बिल्कुल आसान है, देखिए इसमें जो आंकड़े दे रखे हैं हमें, वो प्राप्तांकों के रूप में दे रखे हैं। किस रूप में दे रखे हैं? प्राप्तांकों के रूप में। और विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास? 10 विद्यार्थी है। अनुक्रमांक कितने हैं? 10। अनुक्रमांक 1 ने कितने अंक प्राप्त किए? 30। 2 ने कितने प्राप्त किए? 28। अनुक्रमांक कह लो या रोल नंबर कह लो आप, ठीक है, रोल नंबर 3 ने कितने प्राप्त किए? 32। रोल नंबर 4 ने 12, रोल नंबर 5 ने 18, रोल नंबर 6 ने कितने अंक प्राप्त किए? 20, रोल नंबर 7 ने 25, रोल नंबर 8 ने 15, रोल नंबर 9 ने 26 और रोल नंबर 10 ने कितने अंक प्राप्त किए? 14। ये अंक प्राप्त किए गए इनके द्वारा। अब इनका आपको औसत ज्ञात करना तो बिल्कुल आसान है। आंकड़े जो हमारे पास है वो विद्यार्थियों के रूप में और उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के रूप में, तो बिल्कुल आसान है। समांतर माध्य या फिर अंकों का माध्य, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। तो इससे नया सूत्र बन जाएगा प्राप्त अंकों का योग बट्टे में विद्यार्थियों की संख्या या छात्रों की संख्या, एक ही बात है, छात्रों की संख्या, वही टोटल करना है हमें। टोटल किसका करना है? प्राप्त अंकों का। 30 प्लस 28 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस
15 प्लस 26 प्लस 14, एक बार देख लीजिए टोटल कितने 10 हैं कि नहीं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, एक अंक कौन सा रह गया हमारे पास, 30 आ गया हमारे पास, 28 आ गया हमारे पास, ये 32 12 32 रह गया हमारे पास, तो इसको लिख लेते हैं इधर ही, 30 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 12, 12 के बाद में एक्यूरेटी सही है, 12 फिर 18 फिर 20 फिर 25 फिर 15 फिर 26 और फिर 14, ये हो गए 10 छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक। अब कितने छात्र हैं हमारे पास, टोटल 10 छात्र हैं, तो ध्यान देना इन प्राप्त अंकों का योगफल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त अंक निकल कर आ जाएंगे 220, यानी 30 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 26 प्लस 14, इन सब का टोटल किया जाएगा तो 220 आ जाएगा, 220 में भाग देंगे हम 10 का, तो ऊपर का एक जीरो नीचे के एक जीरो से कट जाएगा, हमारे पास ही आंसर निकल कर आ जाएगा 22, यानी 10 छात्रों के द्वारा जो अंग्रेजी विषय में प्राप्त किए गए अंक है उनका औसत कितना आ जाएगा हमारे पास ही 22। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल आसान है। देखिए इसमें आपको क्या करना है, सवाल देख लीजिए क्या है, आप भी एक बार पढ़ के देख लीजिए इसको बुक के अंदर। एक विद्यालय के पुस्तकालय से 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित है, यानी पुस्तकों की संख्या दी गई है, पहले दिन 300, दूसरे दिन 405, तीसरे दिन 455, चौथे दिन 489 और पांचवे दिन 375, ऐसे हमारे पास 280, 418, 502, 300 और 476 दे रखा है, यानी पुस्तकों की संख्या दे रखी है हमें और दिनों की संख्या दे रखी है कि इस दिन इतनी पुस्तक दी गई है। तो देखो इसको हल कैसे करेंगे हमें, यहाँ तो हमारे पास आ गया देखो पुस्तकों की संख्या, तो बिल्कुल आसान है, वही हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, इसका समांतर माध्य, समांतर माध्य, लेकिन इस बार जो आंकड़े दे रखे हैं हमें, जो डेटा दे रखा है वो हमें पुस्तकों के रूप में दे रखा है और दिनों की संख्या के रूप में दे रखा है, तो हमारे पास सूत्र हो जाएगा पुस्तकों की संख्याओं का योग, पुस्तकों की संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बट्टे में दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, तो बिल्कुल आसान है, देखो टोटल करके देख लेंगे हम, पहले दिन कितनी है 300 प्लस, दूसरे दिन है 405 प्लस, तीसरे दिन 455 और फिर 489 प्लस, फिर 375 प्लस, फिर हमारे पास है 280 प्लस, फिर 418 प्लस, बाकी का इधर लिख देता हूँ ठीक है, प्लस 502 प्लस 300 प्लस, फिर 476,
इनके योगफल में आपको भाग देना है दिनों की संख्या का। दिनों की संख्या हमारे पास कितनी है? 10। दिनों की संख्या कितनी है? 10। जब इनका टोटल करेंगे तो पुस्तकों की संख्या आ जाएगी हमारे पास 4000। पुस्तकों की संख्या कितनी आ जाएगी? 4000। 4000 यानी पुस्तकों का जो योगफल है हमारे पास कितना आ जाएगा? 4000। पुस्तकों के योगफल में भाग दिया जाएगा 10 यानी दिनों की संख्या का 10 का। तो 0 से 0 कट गया, ऊपर का 1 0, नीचे 0 से कट जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 400। यानी एक लाइब्रेरियन के द्वारा या एक पुस्तकालय अध्यक्ष के द्वारा 10 दिनों के अंदर जो पुस्तकें जारी की गई हैं उनका औसत कितना आ जाएगा? 10 दिनों का औसत निकल कर आ जाएगा 400। देखिए दोस्तों, अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, ताकि कोई भी जो विद्यार्थी हो जो कक्षा 10 की पढ़ाई कर रहा है वो अपने अच्छे नंबर लाना चाहता हो या मेरिट में आना चाहता हो तो बिल्कुल वो पढ़ सकता है, इसके अंदर निशुल्क पढ़ सकता है। और जैसे हम डेली क्लास लगाने वाले हैं इसके अंदर, विशेषकर साइंस की और मैथ की, तो आप हमारी वीडियो पर बने रहिए और जितना हो सके इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आपने हमारा वीडियो पूरा देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।